नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज यानी कि 24 अक्टूबर को सिक्किम में हुए उपचुनावों की मतगणना की गई। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में विपक्ष का सफाया साफ कर दिया है। दक्षिण सिक्किम की पोकलोक कामरांग विधानसभा सीट से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने 10,575 वोटों से जीत हासिल की है। विपक्षी पार्टी एसडीएफ उम्मीदवार मोजेज राई को 7,747 वोटों से हराकर प्रेम सिंह तामंग विजय हुए हैं। मुख्यमंत्री के समर्थकों ने हर तरफ जश्न मनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम की राजनीति में इतिहास रच दिया है। भाजपा उम्मीदवार सोनांग वेंचुकपा को पूर्व जिले के मारतम रुमतेक विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाया है। उन्हें 8,204 वोट मिले हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार नूक छिरिंग भुटिया को 6,150 मतों से पराजित किया है। नूक छिरिंग भुटिया को 2,054 वोट मिले। इस सीट पर हमरो सिक्किम पार्टी के नीमा लेपचा को 1,235, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी के मिंगमा शिरिंग शेरपा को 173, निर्दलीय डॉक्टर मिंगचुंग भुटिया को 439 और पासंग शेरपा को 272 वोट मिले। सिक्किम में इन तीन निर्वाचन क्षेत्रों में 154 लोगों ने नोटा का उपयोग किया है। भाजपा ने सिक्किम में पहली बार चुनाव जीता है। सोनांग वंगचुकपा को चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिताने वाले प्रथम नेता बने हैं। हालांकि भाजपा के पास 10 विधायक हैं, लेकिन वे सभी विधानसभा चुनाव के एसडीएफ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा और सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने इस उपचुनाव में गठबंधन किया था। इसके तहत भाजपा ने 2 और एसकेएम ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा है। भाजपा उम्मीदवार के जीत की घोषणा होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। और इसी बीच गैंगटोक निर्वाचन क्षेत्र से भी वाईटी लेपचा ने 2,492 मतों से जीत हासिल की है। लागिरहेको छ अनि यसको म श्रेय विशेष रूपले पोकलोक कामराङका अति आदरणीय जनताहरूलाई दिन चाहन्छु, युवा नारीहरूलाई दिन चाहन्छु, सरकारी कर्मचारीहरूलाई दिन चाहन्छु अनि विशेष रूपले पार्टीका माननीय मन्त्रीगण, विधायकगण अनि पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई दिन चाहन्छु जसले रातदिन एक गरेर पार्टीलाई जिताउनका लागि उहाँहरूले खट्नु भएको छ। सर, 2004 तपाईँले 92% मा जित्नु भएको थियो सोरेङ च्याखुङमा, त्यही रेकर्ड अहिले सेट भएको छ पोकलोक कामराङमा। कुन फ्याक्टर लाग्छ तपाईँलाई एसकेएमको यो ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्रीमा? यो फ्याक्टर चाहिँ हामीले जुन 4 महिनामा जब सरकार बनेपछि 27 मई 2019 जब हामीले सरकार गठन गरेपछि यो 4 महिनाको अवधिमा जुन प्रकारले हामीले काम गर्यो, सिक्किमे जनताको मनलाई जितेर काम गरेको छ, सिक्किमे जनताको पक्षमा काम गरेको छ, त्यसै कारणले गर्दा आज हामीले 90%ले हामीले जितेको छौँ। मलाई त्यस्तो भएको छैन, किनभनेदेखि हेर्नुहोस् म पहिला पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा थिएन। मैले भनेको थिएँ, म जति बेला म कारावासबाट निस्केको थिएँ त्यति बेला मैले भनेको थिएँ यदि पिएस गोले भोलिको दिनमा प्लेयर भएर पनि खेल्न सक्छ या कोच भएर पनि आउन सक्छ, अनि त्यति बेला मैले 2019 आम चुनावमा म एउटा कोच जस्तो भएर पार्टीको अध्यक्ष भएर मैले पूर्ण रूपले सबै 31 निर्वाचन क्षेत्र अनि सङ्घ निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मैले क्याम्पिङ गरेँ भनेदेखि जुन प्रकारले जनताले एसकेएम पार्टीलाई जुन खालको विश्वास गरिदिएको छ भनेदेखि म त्यो दौडमा छ र पहिला पनि म पूर्ण रूपले सिक्किम जनतामाथि विश्वास राखेको थिएँ भने आज पनि त्यही विश्वास कायम छ। सर, यो बिजेपीको पिएलमाथि के भन्नु छ तपाईँलाई? मेरो केही भन्नु छैन, त्यो कोर्टको कुरा हो। त्यो जुन प्रकारले कोर्टले गरेको छ भनेदेखि त्यो कोर्टको कुरा हो। यसलाई म यो माथि म प्रतिक्रिया म दिन चाहन्न। म विशेष गरेर सरकार परिवर्तन भएको छ तर व्यवस्था परिवर्तन गर्न हामीले सकेको छैन र हाम्रो नारा भनेको व्यवस्था परिवर्तन हो र हामी पूर्ण रूपले सरकारलाई अब साङ्गठनिक रूपमा हामी राम्रो प्रकारले हामी चलाउँछौँ। म विशेष गरेर म सन्देश दिन चाहन्छु, आज जुन मेरो जित भयो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको जित अनि रुम्तेक
बड़ा जुन प्रकारले सोनाम छिरिङ भेन्चोपालाई जुन हामीले सपोर्ट गरेको पार्टी बीजेपी पार्टीले जुन प्रकारले जिताउनु भएको छ सारा दुईटै निर्वाचन क्षेत्रको जनतालाई म विशेष गरेर म धन्यवाद दिन चाहन्छु मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूले अब जुन प्रकारले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई जुन विश्वास गरेर यो बाई इलेक्सन जिताएको छ उहाँहरूलाई विशेष गरेर म धन्यवाद दिन चाहन्छु शुभकामना पनि दिन चाहन्छु किनभने अब सिक्किममा एउटा यस्तो सरकार होस् जुन सरकार चाहिँ व्यक्तिको सरकार नभएर पूर्ण रूपले सिक्किम र सिक्किम जनताको सरकार बनोस् र सम्पूर्ण रूपले अब हामी सिक्किमको विकासको लागि सबै जनता चाहे पक्ष होस् चाहे विपक्ष होस् सबै सबै जाति सबै धर्म अनि सबै पार्टीहरू एक मिलेर अब सिक्किमलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ यसको लागि म सम्पूर्ण सिक्किम जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु हामी एक भएर सिक्किम र सिक्किम जनताको हितमा काम गरौँ श्री श्री सार्वजनीन श्यामा पूजोर परिचालनाय रहेछ कांचनबाड़ी स्पोर्टिं क्लब स्थान कांचनबाड़ी फुलबाड़ीहाट जलपाईगुड़ी अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना जी हाँ अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स घर के सजावट सैनिटरी वेयर बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं वृंदावन मार्बल्स ईस्टर्न बाईपास रोड सिलीगुड़ी कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811 क्या आपके घर में शादी है कोई फंक्शन तो होगा तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए तरीका बदल गया है आप भी बदलिए याद रखिए सिडवैप्स सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है शादी हो या कोई फंक्शन इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस